साथियों नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव। इस लाइव प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। साथियों, हालांकि कई जगह मैं लाइव आया हूं, जहां चाहे राजसमंद हो, चाहे उदयपुर हो, चाहे अजमेर हो, लेकिन उस समय अलग अलग उद्देश्य था। आज का लाइव क्योंकि हमने जो आर पार की लड़ाई का ऐलान किया उसको लेकर है। साथियों, सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से जो हमारा आंदोलन चरम सीमा के ऊपर है, साथियों इस लाइव के माध्यम से मैं एक विशेष संदेश लेकर आपके सामने आया हूं, तमाम मेरे युवा बेरोजगार साथियों के लिए। जो लोग नहीं जुड़े वो जुड़ जाएं और जितने लोग जुड़ गए वो शेयर करते रहें, क्योंकि ये चीज़ मैं नहीं बोलता था पहले, लेकिन मैंने कहीं ये देखा कि लाइव ज़्यादा ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक मैसेज पूछेगा, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करोगे तो पता तो चलेगा। क्योंकि काफ़ी लोग क्या होता है कि जैसे मैं बोल के चला गया, लाइक होकर चला गया, कुछ लोग काट छांट के भी डालते हैं, कुछ लिखते हैं कि इन्होंने क्या कहा वो कहा, तो इससे बढ़िया मैं चाहता हूँ कि वो डायलेट से अच्छा कि वो खुद ही डायरेक्ट देख ले, तो ज़्यादा शेयर करिए। साथियों, बड़ी विचित्र स्थिति है मेरे प्रदेश की युवा बेरोजगारों की। लगातार प्रदेश के जो भर्तियां हैं उनको लेकर हम संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कई बार कई लोगों के मैं कमेंट्स देखता हूं कि केंद्र सरकार की भर्तियों के लिए आप कमेंट क्यों नहीं करते हो। तो उनसे मेरा ये निवेदन है, केंद्र सरकार के अभ्यर्थी भी इकट्ठे हों, मैं आपका साथ भी देने जाऊंगा, केंद्र सरकार की जो भर्तियां साथ आपका भी देने आऊंगा, लेकिन अब फिलहाल राजस्थान की भर्तियों को लेकर हम लगातार संघर्ष 9 साल से करते आ रहे हैं। साथियों, आपने देखा होगा कि मुझे भी कई बार जो पूरी स्थितियां देखता हूं, स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 के चयनित अभ्यर्थी पिछले 13 दिन से RPSC के 12 मापड़ाव डाल रखे। उदयपुर में मुझे एक अभ्यर्थी मिला और वो बुरी तरह रोने लग गया, उसके साथ दूसरा अभ्यर्थी रोने लग गया, तो मुझे लगा कि आज बेरोजगार अवसाद में है और RPSC की तानाशाही उन पर भारी पड़ रही है। साथियों, छोटी छोटी बातों को इश्यू बनाना और गुमराह करना, इन चीज़ों से आपको बचकर रहना होगा। कई लोग हैं बस उनका काम है कुछ करना, होता जाता उनसे कुछ भी नहीं है, घर बैठे फर्जी आइडिया बनाते हैं या खुद कमेंट करते हैं, उन्होंने आज तक कुछ किया नहीं। जो करने के लिए पूरे दिन रात दिन मेहनत करता है उसके हौसला तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि लाखों बेरोजगार मेरे साथ हैं, जिसका जलवा आपने देखा होगा 15 फरवरी से जो हमारा आंदोलन चला, उसमें जब संख्या इकट्ठी हुई, जब आपने उदयपुर में देखा होगा, अपने राजसमंद में देखा होगा, और जो ऐतिहासिक रैली 10 तारीख को सुजानगढ़ में होने वाली है। साथियों, यह आंदोलन जरूर सफल होगा और उन लोगों के मुंह पे तमाचा होगा जो लोग विफल करना चाहते हैं। यह आंदोलन सच्चाई के लिए है, बेरोजगारों को अधिकारों के लिए है और बेरोजगारों के स्वाभिमान के लिए है। साथियों, इस लाइव के माध्यम से मैं आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूँगा, 10 मार्च को सुबह 10 बजे सुजानगढ़ के लिए हम एक रैली का आयोजन कर रहे हैं। जिसके पास ट्रैक्टर हो, जिसके पास बाइक हो, जिसके पास फोर व्हीलर हो, जिसके पास ऊंट गाड़ी हो, जिसके पास बैल गाड़ी हो, जो भी है वो साधन लेके एक ऐतिहासिक रैली निकालेंगे। आज परमिशन के लिए हमने हमारे साथी को भेज दिया, कल वो एप्लीकेशन लगा देंगे। हो सके तो हमें जो सालासर जो मंदिर है, मैंने नोट करवाया था कि वो एक स्टेडियम है और स्टेडियम का नाम क्या था, लोहिया स्टेडियम, और 2.5 किलोमीटर के कोई मंदिर के आसपास के, वो बता रहे थे कि 2.5 किलोमीटर की रैली हो, वो समय स्थान में ट्वीट और फेसबुक पर यूट्यूब पर डाल दूंगा। लेकिन जो साथी हैं, एक तो ट्विटर पर जुड़ जाइए, ट्विटर पर सबसे फास्ट सबसे सटीक ट्वीट मैं डालता हूँ, उसके बाद स्क्रीनशॉट सब आप लोगों के पास पहुँच जाए। तो उपेंद्र यादव के नाम से मेरा ट्विटर अकाउंट है, 235,000 से ज़्यादा है, आप वहाँ जुड़िए। साथियों, क्योंकि हमें लड़ाई सोशल मीडिया और मैदान में दोनों जगह लड़ना है। जिस दिन हमने ऐलान किया था नो जॉब ना वोट, पूरे देश में एक नंबर पर रहा और 6 लाख से ज़्यादा ट्वीट रहे, एक ऐतिहासिक हमारा ये ट्विटर सोशल मीडिया पर आंदोलन रहा, सब जगह चर्चा का विषय रहा कि नो जॉब नो वोट हिट रहा। और वहीं जो हमने नौकरी नहीं तो वोट नहीं अभियान राजसमंद से शुरुआत की, अच्छी संख्या वहाँ पूछी, उसके बाद उदयपुर में अच्छी संख्या पूछी। सभी साथियों का धन्यवाद। अब लोगों के दिल में एक सवाल है जो भ्रमित करते मेरे साथियों को कि राजसमंद में जाने की क्यों आवश्यकता है, उदयपुर जाने की आवश्यकता क्यों, सुजानगढ़ में जाने की क्यों आवश्यकता है। क्योंकि आवश्यकता इसलिए है कि सरकार को किसी भी हालत में चारों सीटें जीतनी है,
और चारों सीटों के लिए वो ताकत लगा रहे हैं, वहाँ सभाएं हो रही है, वहाँ घोषणाएं हो रही है, और हम भी पूरी ताकत लगा रहे हैं कि मेरे प्रदेश की युवा की नहीं सुनी गई तो चारों जगह सुपड़ा साफ करेंगे। माने मुख्यमंत्री तक बात पूछा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी हमारे अभिभावक हैं और वो सुनेंगे, हम नाराज हैं, हमें मनाइए, हमारी बात मानिए, बेरोजगारों को मांगो मानिए, हम आपकी बात मानेंगे, आपने जब जब बुलाया, आपने जो जो कहा हमने किया है, लेकिन हम आपके बच्चे हैं, हम चाहते हैं कि हमारे बेरोजगार को न्याय मिले, जो भर्तियां हो सके उनको तो करिए, जिनमें समय लग रहा कोई बात नहीं, 15 दिन 20 दिन वो समय दीजिए, उसका भी इंतजार कर, लेकिन वो करिए, कम से कम बेरोजगारों की समस्याओं का निस्तारण करिए। दोस्तों कुछ लोग ये कह रहे थे कि इन्होंने आंदोलन अचानक से क्यों स्थगित कर दिया, क्योंकि दोस्तों बात माननी पड़ती है, इतना 9 दिन का आंदोलन के बाद, क्योंकि एक बार जब हमने आंदोलन किया था, जब मुख्यमंत्री जी ने मुझे बुलाया था, उन्होंने रीट शिक्षक भर्ती 2018 की 3500 पदों के लिए वादा किया था, उनकी बात मानी, और आज उन लोगों के ज्वाइनिंग आदेश कोर्ट में, हालांकि वो अटक गए लेकिन निकल जाएगी, कुछ लोगों को ज्वाइनिंग मिल भी चुकी है। इसके अलावा गुड अकेडमी का नियम हटने वाला था, बहुत सारे काम हुए, वेटेज कम हुआ रीट का, सेकेंड ग्रेड वालों को ज्वाइनिंग मिली है, पशुधन सहायक हो, कृषि प्रेक्षक हो, महिला सुपरवाइजर हो, तमाम कई अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग मिली है, LDC वालों को, क्योंकि हमारी मांगे तो हुई ना, वो भी वार्ता हुई, आंदोलन के बाद वार्ता आश्वासन हुआ है, मानना पड़ता, क्योंकि सरकार से हमें काम करवाना। लेकिन जहां लगता है कुछ लोग कह रहे हैं सरकार से सीधी टक्कर ले रहे, सत्ता से सीधी टक्कर, और लड़ रहे हैं, चाहे जान जाए पीछे हटने वाले नहीं, मुझे यह भी पता है कि कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं, लेकिन हंसते हंसते जान दे दूंगा, पीछे नहीं हटूंगा, लड़ाई तो लड़ूंगा। मेरे जब मैंने उन बेरोजगारों के आंखों में आंसू देखे, जब उन लोगों को रोता हुआ देखा, उस दिन मैं चाहे उनको देख रहा था लेकिन दिल में इतनी आग थी कि हाँ मैं अंतिम सांस तक लड़ूंगा। तो साथियों जिस प्रकार आप साथ दे रहे हो, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ, सैल्यूट करता हूँ, और मैं आप लोगों से आशा ये रखता हूँ कि 10 तारीख को साइकिल हो तो साइकिल भी ले आना, मोटरसाइकिल तो मोटरसाइकिल, जो मिले वो लेके आओ। सुजानगढ़ में ऐतिहासिक रैली होगी, क्योंकि नेशनल चैनल वाले भी वहाँ आएंगे, उनको पता चलेगा कि राजस्थान में कुछ हो रहा है, बेरोजगारों ने खुली चुनौती दे रखी है, नौकरी नहीं तो वोट नहीं, लड़ेंगे हम सब मिलकर लड़ेंगे। और देखना जो हमने मंडावा कूच किया 9 अक्टूबर 2019 को, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री से 11 अक्टूबर को मुलाकात हुई, चाहे पूर्ववर्ती सरकार में हमने धौलपुर कूच किया, उसके बाद मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई, और इस बार भी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होगी, हम उनके बच्चे हैं, वो हमारे अभिभावक है, जरूर सुनेंगे, लेकिन जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, जब तक हम मोर्चा खोल के रहेंगे, जहाँ जाना वहाँ जाएंगे, और नहीं मानते तो चारों जगह किसी भी हालत में नहीं जीतने देंगे, मतदाता के पैर पकड़ना पड़े तो पैर पकड़ेंगे, लेकिन सबक जरूर सिखाएंगे। कुछ लोग ये कमेंट भी करेंगे कि भैया वोट किसको दो, नोटा को दो, किसी को भी दे दो, लेकिन जो व्यक्ति हमारी नहीं सुन रहा है उनको युवाओं की ताकत दिखाना एक बड़ा जरूरी है, ये हमारे इज्जत के साथ साथ हमारे स्वाभिमान की, हमारे अधिकारों की और हकों की लड़ाई है। हम कायर नहीं, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। सीना ठोक के खिताब का भाई अंतिम सांस तक आप लोगों के लिए लड़ेगा। इसलिए साथियों उठो जागो और तैयार हो जाओ, क्योंकि सबकी नजरें हैं 10 तारीख को आने वाली सुजानगढ़ की रैली की, क्योंकि सब लोग रैली सभाएं कर रहे हैं, लेकिन पहली बार जो आर पार की लड़ाई लड़ रहा है, सीधी टक्कर ले रहा है, वो राजस्थान का युवा बेरोजगार ले रहा है, नौकरी नहीं तो वोट नहीं। और यदि केंद्र सरकार की जो लोग बात करते हैं, वो अभियान उनके लिए भी लागू होगा, नौकरी नहीं तो वोट नहीं, हम युवाओं के साथ हैं, हम किसी पार्टी विशेष से मतलब नहीं है, पार्टी विशेष से मतलब होता तो पूरी सरकार से हम सीधी टक्कर नहीं लेते, हम जेल नहीं जाते, अनशन नहीं करना पड़ता, लेकिन लड़ रहे हैं और अंतिम सांस तक लड़ेंगे। साथियों कुछ मैं मुद्दों को लेकर, क्योंकि अधिकतर जो हमारी 16 सूत्रें मांग थी, क्योंकि साथियों एक चीज बताइए, आप अपने दिल पर हाथ रखिए, सोचिए, 23 तारीख को हमारा आंदोलन समाप्त होता है रात को, 24 को सुबह हमारे साथी वहां से स्थान छोड़ते हैं, हमें 10 दिन का समय दिया जाता है, और 2 तारीख को हमारी मीटिंग होती है। हमें कहा गया था कि पहली मीटिंग में कुछ न कुछ भर्तियों का समस्याओं का निस्तारण हो जाएगा, धीरे धीरे मीटिंगों में कुछ न कुछ भर्तियों का निस्तारण करते रहेंगे और बेरोजगारों को राहत प्रदान करेंगे। साथियों हम 50 से ज्यादा लोग सचिवालय पूछे, 6 लोगों को अंदर बुलाया गया, वार्ता हुई, हमने न चाय पी न बिस्कुट खाया, हम वार्ता हुई और बाहर निकल के, नहीं तो कई लोग और भी संगठन होंगे फोटो खिंचवा के डाल दे, बढ़िया वार्ता होगी, वाह ये वो अपनी चमकाने की कोशिश कर, लेकिन बाहर निकल के शायद वो मंत्री भी सुन रहे होंगे, उन्हीं के सामने हमने मीडिया में कह दिया कि वार्ता विफल है, हम नाराज हैं और हम चारों जगह कूच करेंगे, विरोध करेंगे, नौकरी नहीं तो वोट नहीं, अभियान भी चलाया और लड़े, पहुंचे 2 तारीख को निकले, 3 तारीख को आपका भाई यहां से घर से निकल गया, 3 तारीख को अजमेर RPSC के सामने धरना दे रहे व्याख्याताओं के बीच में रहा, 4 तारीख को राजसमंद रहा, 5 तारीख को उदयपुर रहा, फिर वापस आया उस अभ्यर्थी को रोते हुए देखते, और उनके बीच में 5 को वहीं रहा, और फिर 5 को वहीं रहा और 6 को मैं यहाँ पूछा, और आज 7 तारीख है, 7 तारीख को आज यहाँ मौजूद हूँ, 8 तारीख को फिर सुबह मैं
अजमेर जाऊंगा, जो स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 के चयनित अभ्यर्थी बैठे हुए हैं उनके बीच में फिर जाऊंगा, और जो अभ्यर्थी जो चयनित है 2018 के उनसे मेरा निवेदन है घर से निकलिए और वहां आइए। कल महिला दिवस भी है, महिला दिवस के कई महिला बहुत सारी संख्या में महिलाएं भी आ रही है, तो मैं भी आ रहा हूं जयपुर से एक बार फिर आपके बीच में, क्योंकि लॉलीपॉप आश्वासन नहीं, हमें परिणाम चाहिए, परिणाम का मतलब काम चाहिए। इसलिए सभी जो स्कूल व्याख्याता भर्ती के चयनित अभ्यर्थी जो इस लाइव को देख रहे पहुंचिए, मैं भी पूछ रहा हूँ, कई अभ्यर्थी ये कह रहे हैं 14% वाले जो स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018, भाई आपने जब जब बुलाया मैं आपके बीच में भी आया हूँ, आपके डेलीगेशन के सीओ में वार्ता भी करवाई थी। और एक चीज़ और बता दूँ आपको, मैं इस वार्ता में इसमें मांग पत्र में शामिल था, लेकिन उन्होंने मुझे कह दिया कि इनकी याचिका खारिज हो चुकी है और ये नहीं हो सकता, साफ मना कर दिया उन्होंने। मना करने के, क्योंकि याचिका खारिज होगी, मना करने के बाद मैंने आपका मामला नहीं उठाया। और रही बात जो आंसर की को लेकर, हम ये कह रहे हैं सरकार कोर्ट के अध्यक्ष चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दो, यदि कोई अभ्यर्थी नया आता है तो उनको ज्वाइनिंग दे दीजिए, हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन 2, 4, 5, 10, 20, 50, 100 के चक्कर में 5,000 लोगों को नुकसान नहीं हो, उनको भी ले लीजिए। यदि उनके साथ गलत हुआ है, यदि वो अंदर आता है तो उनको ले लीजिए, लेकिन जो लोग 12 दिन से वहां बैठे हुए रो रहे हैं अवसाद में, उनको ज्वाइनिंग जल्द से जल्द देनी चाहिए। इसलिए साथियों, जो चयनित अभ्यर्थी पहुंचे, मैं खुद सुबह वहां पहुंच रहा हूं और इस आंदोलन को जल्द से जल्द सफल बनाकर उन अभ्यर्थियों को स्कूल में पहुंचाना है। तो साथियों, हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। कई चीजों के लेकर मैं एक चीज और बता दूं, पिछले जो हमने 15 फरवरी को आंदोलन किया था उसमें कुछ मांगे भी पूरी हुई है। एक ECG जो भर्ती थी उसका दस्तावेज सत्यापन और अन्य कार्य उनके पूरे हुए। AN भर्ती 2018 का परिणाम आ चुका, जो मैंने पिछले लाइव में कह दिया था इस वीक में आपका परिणाम आ जाएगा, और उनका परिणाम आ गया। कुछ अभ्यर्थी आज धन्यवाद भी देने आए थे, तो AN भर्ती वाला परिणाम आ गया है। अब मोटर वाहन उपनिदेशक की भर्ती उलझी हुई है, वो कैबिनेट की होने वाली मीटिंग में उसका भी निस्तारण हो जाएगा, उसमें भी संशोधन हुआ, उसके लिए प्रयास करें। AN और RS भर्ती के इंटरव्यू की परीक्षा तिथि जल्द से जल्द जारी हो सके तो इसके जो आदेश है जो आने वाले वीक में हो सकते हैं कि अब आपका इंटरव्यू कब होगा, तो इसके लिए भी हमने लगातार प्रयास कर रहे हैं साथियों। इसके अलावा PTI भर्ती के जो अभ्यर्थी जो धरने पे बैठे थे उनके साथ मैं जाके आया था अधीनस्थ वार्ड, और उन्होंने हमें 6 दिन के लिए कहा था, हमने कहा 10 तारीख तक वेट करेंगे, खुला अल्टीमेटम देके आए थे, और उसका परिणाम PTI भर्ती का भी जो वेटिंग सूची जारी हो चुकी है, प्रयोगशाला सही शिक्षा वाक्य भी वेटिंग सूची जारी हुई, कुछ जो मुद्दे हल हुए उनकी मैं आपको बता रहा हूँ उसकी जारी हो चुकी है। साथियों, आप सबसे मेरा निवेदन यही है कि जो लोग कमेंट करते हैं कि भैया हमारी भर्ती की मांग उठाओ, अरे आप आ तो जाइए, मैं तो हार नहीं मानी ना, 3 तारीख को घर से निकल गया, 4, 5, 6, 8, 7 यहाँ लोगों से मिला हूँ कार्यालय में, कम से कम 50 से ज़्यादा अभ्यर्थियों से मिला हूँ, फिर मीडिया में गया हूँ, और अब आपके सामने आ रहा हूँ, और सुबह फिर मैं अजमेर निकल जाऊँगा, वहाँ से आप वापस आने के बाद 9 तारीख को मैं सुजानगढ़ निकल जाऊँगा, 10 को प्रोग्राम है, 11 का पता नहीं, लगातार मैं घर बार छोड़कर किसके लिए लड़ रहा हूँ? यह लड़ाई उपेंद्र यादव की नहीं है, यह लड़ाई आप सब की है, यह लड़ाई बेरोजगारों की इज्जत की है, उनके स्वाभिमान की है, उनके अधिकारों की है, उनके हक की है, इन नेताओं से लड़ना है, जीतना है, लड़ेंगे जीतेंगे या फिर मरेंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए साथियों, 10 मार्च को आपको याद रखना है, क्योंकि नेशनल चैनलों में भी इसकी खबरें जाएगी, वो भी इंतजार कर रहे हैं कि इनकी ऐतिहासिक रैली कब निकले, तो हाथ जोड़ के मैं आप लोगों से अपील कर रहा हूँ, ये लड़ाई अब आप लोगों की है, हम सबकी है, हमारे अधिकारों की है, हमारे स्वाभिमान की है, इस लड़ाई में आप सबको आना है। आप सोचिए, हताश तो मैं भी हुआ था कि कमेटी बनी, पहली मीटिंग 6 बार पहले वार्ता के दौरे, पहली समिति में मंत्रियों की कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें जब मुझे भी निराशा हुई, मुझे भी दुख हुआ, लेकिन मैं टूटा नहीं, निकला वहां से, फिर 3 तारीख को घर से निकला, 4, 5 और लड़ रहा हूं, और देखना मैं कह रहा हूं, कुछ ना कुछ तो मैं लेके आऊंगा, जो मेरे साथ लगातार मेहनत कर रहे हैं उनके सपने जरूर साकार होंगे, आदेश आप देखना। और एक चीज और बता दूं, जो लगातार जो सक्रिय हो रहे हैं, जो मैं अब बता दूं, प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 1534 चिकित्सा विभाग वो रद्द कर दी गई थी, लेकिन उन अभ्यर्थियों को जल्द खुशखबरी मिलेगी, क्योंकि वो लगातार हर जगह कंधे से कंधा मिलाकर साथ चल रहे हैं। इस संबंध में मीटिंग भी हो चुकी है अधिकारियों के, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने अधिकारियों को निर्देश देकर, जिसमें रेडियो वगैरह पर ब्लैक टेक्नीशियन, प्रयोगशाला सहायक भर्ती, ECG वाली भर्ती थी इन, और फार्मासिस्ट, इन भर्तियों को लेकर मीटिंग हो चुकी है, जल्दी इसका परिणाम आएगा। फार्मासिस्ट की एग्जाम होगी, हम 4105 एग्जाम हो इसकी कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जो रेडियोग्राफर इलेक्ट्रिकनिशियन में कुछ पेचीदगी आई थी, उसके भी निस्तारण की मीटिंग हो चुकी है, और जो प्रयोगशाला साई जो खत्म हो चुकी थी 1534, उसके अभ्यर्थियों को जल्द खुशखबरी मिलेगी। लेकिन उनसे मेरा निवेदन है, जिस प्रकार आपने शुरू से साथ दिया, ऐसे साथ आप देते रहना, जल्द आपके
चेहरों पे खुशियाँ होगी। आपके अभ्यर्थी आप मेरे साथ लगातार रहते, लेकिन जो घर बैठा है वो भी निकलिए, क्योंकि धीरे धीरे मुख्यमंत्री जी इन भर्तियों को, जो 5 भर्तियों को लेकर अधिकारियों को बोलकर जो मीटिंग हुई है, करीब 2-3 घंटे मीटिंग चली है। साथियों, रीढ़ शिक्षक भर्ती 2016 अंग्रेजी की SLP वापस हो, क्योंकि कई अभ्यर्थियों ने पहले मामला उठाया, उसके बाद वो शांत हो गए, उनको पता सरकार उनकी मांग नहीं मानी। लेकिन मजबूती से आपकी बात रखी है, 2016 साइंस मैथ की बात रखी है, इसमें भी पुनर्विचार सरकार के द्वारा किया गया है। एडवोकेट जनरल साहब को भी बुलाया गया था, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि SLP जल्द से जल्द वापस हो, 826 अंग्रेजी विषय के अभ्यर्थियों को न्याय मिले, और जो 877-927 साइंस मैथ में है उनको न्याय मिले, और संस्कृत विभाग के लिए उन्होंने सुभाषगढ़ साहब पहले कह चुके हैं कि जैसे DB से फैसला हुआ मैं निकाल दूंगा, तो इनके लिए कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो राजस्थान पुलिस भर्ती 2018 सूचना सहायक जूनियर अकाउंटेंट जिनकी वेटिंग का मामला, वो आज साथ नहीं हो, उनकी फिर भी आवाज़ उठा रहे। आयुर्वेद नर्सिंग भर्ती 2013 1005 उसकी भी आवाज़ उठा रहे। पंचायत राज LDC भर्ती 2013 के लिए भी मीटिंग हुई है, उसमें ये कह रहे बजट का मामला है, लेकिन उन्होंने एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम 3 टुकड़ों में या 2 टुकड़ों में इस भर्ती को पूरा करें। लेकिन मैंने कहा 2 या 3 टुकड़ों में बहुत देर हो जाएगी, 10,029 की 1 साल लिस्ट निकाली जाए। इसमें भी चर्चा हुई है, इस पर भी रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। LDC भर्ती पंचायत राज अभ्यर्थियों से ये कहना चाहूँ, जाग जाइए, सुजानगढ़ पहुँच जाइए, आपसे मेरा निवेदन विशेष कर कह रहा हूँ। इसके अलावा सभी के लिए है, इसके अलावा फार्मासिस्ट वाले भी, प्रयोगशाला सहायक वाले एक्टिव हैं। इसके अलावा NM/GNM भर्ती 2013 के लिए जो अभ्यर्थियों से मेरी बात हुई, उन्होंने एक रास्ता बताया था, उन लोगों में रास्ता बताया था, उन्होंने केवल हमारा काम हो चुका, लेकिन जो उनकी याचिका खारिज हुई, मुझे बाद में बताया कि उनकी याचिका खारिज हो चुकी है, वो बड़ा बीच में अड़ंगा है, लेकिन उसका भी रास्ता इन अभ्यर्थियों को बताया था। मैंने मनोज उनके साथी को फ़ोन करके बताया था, अशोक जी और विजयपाल जी को बताया था, वो घर से निकले और इस पर जो कहा वो करिए, मैं आपके साथ हूँ। एक बार जो उन्होंने रास्ता बताया उस रास्ते पर हमें चलना होगा, वो तो आप लोगों को करना होगा। साथियों, एक चीज़, शिक्षक भर्ती 2012 अधिक अंक वाले मामले में, साथियों इसको लेकर काफ़ी लोग चिंतित है, दुखी है। मैं आप उनको स्पष्ट बता दूं, उन्होंने कहा हम लिखित में नहीं दे सकते, हम कह दें कि याचिकाकर्ताओं को लेने के लिए तैयार, वो कहेंगे इसका मतलब आप सुप्रीम कोर्ट में क्यों गए, जब लेने के लिए तैयार हो, याचिकाकर्ताओं को आप सही मान रहे हो तो लेने क्यों गए, वापस सुप्रीम कोर्ट क्यों गए जब आप उनको लेने के लिए तैयार हो, इसका मतलब याचिकाकर्ता ऐसे हम केस हार सकते हैं। उन्होंने मौखिक सहमति के लिए कहा था कि हमारे एडवोकेट को कह देंगे कि यदि वहाँ ये होता है कि याचिकाकर्ता को ले जाए, हम बोल देंगे। तो साथियों, अब हम कह रहे हैं कि वो लिखित में ले रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि उनके सीन जो इनका एडवोकेट है उनको सरकार लिखित में दे कि जब भी बहस होगी तो इन अभ्यर्थियों को हम लेने के लिए तैयार है। तो साथियों, आपका प्रतिनिधि हर बार साथ गया है, लेकिन सारी जो तमाम मांगों को लेकर जो लिखित में पहले दिए जिन लोगों को सहमति दी उन पे भी आज तक कुछ नहीं हुआ। लिखित में सहमति होने के बावजूद भी मीटिंग में कुछ नहीं होने का मतलब अभी मुकर गए, लेकिन मैं लगातार मेरा प्रयास कर रहा हूँ, मैं हार नहीं माना, ना हताश हुआ, घर से निकलकर लगातार हर जगह जा रहा हूँ, अंतिम सांस तक लड़ूंगा, और जब बुलाया जाएगा तो आपके सभी साथियों को साथ ले जाकर, पहले भी लेके गए थे, और हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे आपको राहत मिले, जो लोग 2012 से संघर्ष कर रहे हैं, सब लोगों के लिए मैं प्रयास करता हूँ, लेकिन आप हताश मत हो, आपसे मेरा निवेदन है लड़ेंगे जीतेंगे। एक बार थोड़ा सा नेगेटिव जाने चाहिए, हमने सोचे कि हमारा कुछ नहीं हुआ, नहीं, अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे, जो सच्चाई और दिल से लड़ाई लड़ता है एक दिन उसकी जीत होती है। तो आपको ये कहना चाहूँगा, आप वापस जुड़िए, लड़िए और जीतेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। वार्ड बॉय के भी मुझे ज्ञापन मिले हैं, वार्ड बॉय MNJ बॉय के, इसकी मैं मांग रख रहा हूँ, वार्ड बॉय के भी। रीड 2021 विषय से संबंधित काफ़ी कॉल और मैसेज आए थे, मैंने तुरंत अधिकारियों से बात की और उन्होंने मेरी बात मानी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और अच्छा लगता है कि वास्तव में 2-3 बार समस्या आई, अधिकारी बोर्ड के अच्छे अधिकारी लगते हैं, उनसे फोन उठा लेते हैं, बात भी करते हैं, समस्या का निस्तारण भी करते हैं। कई अभ्यर्थियों को जल्दबाजी में विषय का चयन गलत कर लिया था, उनको भी फायदा हो गया लगातार, इसके लिए लोग पूछते हैं। मैं उन अभ्यर्थियों को कहना चाहूँगा जो पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यूट्यूब चैनल पर कई जगह लोग कहते हैं बिग ब्रेकिंग न्यूज़, उसने कह दिया एग्जाम नहीं होगी, इस महीने में एग्जाम हो गए, अरे आप भूल जाइए, आप तो 25 तारीख को टारगेट करके सब सोशल मीडिया से दूर हो जाओ और अपनी तैयारी करिए, लोग आपको भ्रमित करेंगे और भ्रमित करके आपका भविष्य खराब कर देंगे। इसलिए अभी फिलहाल वर्तमान में जो स्थिति है सरकार की, वो 25 तारीख को ही एग्जाम करवाएगी, तो 25 अप्रैल को टारगेट मानकर अपनी तैयारी जारी रखें, सभी अभ्यर्थियों से मेरा विशेष निवेदन है। दोस्तों, हाँ, प्रयोगशाला सहायक भर्ती में एक चीज़ और बता दूँ, जो राजेंद्र चौधरी के साथ सुनील तिवाड़ी, गोविंद शर्मा जी, विकास बेनीवाल और इनके साथी चाहिए वो क्या नाम तनवीर, साथी बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं, अरुण जी, ये बहुत कर्मठशील है
और इन लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लगातार जुड़ रहे हो, पूरा सहयोग कर रहे हो, जो हमारा अभियान चल रहा है इसमें आपका अहम योगदान है। धन्यवाद आप सभी साथियों को, और मुझे विश्वास है कि इसी अभियान को और मजबूत होना होगा, और जिस प्रकार आपने सहयोग किया वो उसी प्रकार सहयोग आप 10 मार्च को भी करोगे सुजानगढ़ के लिए, तो आप तैयार है। धन्यवाद इन लोगों को। दोस्तों, रेडियो का एपिलेप्टिक से बात करके मोटर वाहन उपनिरीक्षक के लिए मैं बात करूँ, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016-18 की भी मांग है, कोशिश करें, इनकी वेटिंग सूची जारी है। SS हिंदी जो मेरे पास लगातार अभ्यर्थी मिल भी रहे, तो इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। आयुर्वेद नर्सिंग भर्ती आशीष मेरे साथ गया था, जब भी वार्ता हूँ मैं ले जाऊँगा। ऊर्जा विभाग में 6000 पदों पर टेक्निकल हेल्पर के। दोस्तों, इसको लेकर एक चीज़ और बताऊँ मैं आप लोगों की, चर्चा करना चाहता हूँ, विशेषकर टेक्निकल हेल्पर के अभ्यर्थी। जब वार्ता हुई, वार्ता होने के बाद मंत्री जी बदल गए। मंत्री जी ने कहा कि हमारे पास पद नहीं है। मैंने कहा, आपने घोषणा कैसे की, कब की, उन्होंने पूछा। साथियों, जब पिछली मीटिंग में हमें कहा गया था टेक्निकल हेल्पर का अभ्यर्थी मेरे साथ था, शायद उसका नाम प्रकाश होगा, कि भर्ती आएगी, हम ऑनलाइन करवाएंगे, तब हमें पता है कि भर्ती के लिए वो कह रहे हैं, मना ही नहीं किया। वो कुछ लोग कह रहे हैं कि आप बजट की कॉपी क्यों नहीं लेके गए। अरे, जब उन्होंने ये कह दिया भर्ती आएगी, ऑनलाइन करवाएंगे, लड़ाई हमारी ऑफलाइन की और आयुष सीमा में परीक्षा केंद्र राजस्थान में देने की मांग थी। हमें ये थोड़ी पता था वो कह गए बजट में, हमने घोषणा नहीं की, मैं कॉपी लेके जाता। लेकिन फिर भी, जब यार घोषणा करने वालों को सब पता होता है कि घोषणा की थी कि नहीं की थी, सब पता है। मैंने बोला, आपने पहले बजट में 9000 पदों पे की, 6000 में टेक्निकल हेल्पर थी, और सुन लो, आज जागोगे तो आपका अधिकार मिलेगा, नहीं तो भेज देंगे, ठेके पे दे देंगे, और रोते रहना। अभी कह रहा हूँ, जाग जाइए, आपके आप नहीं भी होते तो आपकी आवाज आज भी उठा रहा हूँ, राजसमंद में उठाई, उदयपुर में उठाई, अब अजमेर में उठाई, और सुजानगढ़ में उठाऊंगा। आपसे वादा किया था, आप मेरे साथ दोगे तो मैं जी जान दे दूंगा, लेकिन आप तो घर चले गए, फिर भी आपकी आवाज उठा रहा हूँ, क्योंकि आप नादान हो, छोटे छोटे बच्चों, मैं जानता हूँ आपने मेहनत की है, आप अवसाद में हो, फिर भी आपकी आवाज उठाऊंगा। और मैं कहता हूँ, कैसे उन्होंने मना कर दिया, जब उन्होंने घोषणा में बजट में बोला, क्यों बोला, फिर क्यों बोला आपने बजट में, क्यों सपने दिखाए, क्यों 3 लाख ITI वाले आज रो रहे, क्यों बंद कर दीजिए ITI, आज से क्यों करवा रहे हो, क्यों सपने दिखा रहे हो। आप ठेके पे यूपी बिहार और बाहर वालों को आप ठेके पे ले रहे हो, राजस्थान का भर्ती कहाँ जाएगा। आपको भर्ती निकालनी होगी, आपने घोषणा की थी, इसके लिए हम लड़ेंगे, लड़ेंगे अंतिम सांस तक लड़ेंगे, आपको भर्ती निकालनी ही पड़ेगी। टेक्निकल हेल्पर की जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, आप देर हो सकती है, लेकिन आपको भर्ती निकालनी पड़ेगी, हम लड़ेंगे अंतिम सांस तक। तो साथियों, आप फिर से जुट जाइए, फिर से एकजुट हो जाइए, हताश मत होइए। अरे, मैं भी निकल रहा हूँ ना, बैठा क्या एक दिन भी, आंदोलन समाप्त हुआ, दोबारा आंदोलन तैयार किया, दोबारा खड़ा किया, और लड़ा पूरे देश में इसकी गूंज है। नो जॉब नो वोट के बाद आप देखना होगा कि पूरे देश में चलिए खाओ कि राजस्थान में एक अभियान चल रहा है, नौकरी नहीं तो वोट नहीं, किसका, हम लोग मिलकर इस आंदोलन को दोबारा खड़ा किया। पहले भी 9 दिन तक ऐतिहासिक आंदोलन रहा, अब दोबारा ऐतिहासिक आंदोलन होगा, लड़ेंगे और जीतेंगे। इसलिए उठो, जागो और आइए, हम सब मिलकर इस लड़ाई को जीते। साथियों, ग्राम सेवक की भर्ती आई, हम लगातार ग्राम सेवक की भर्ती की मांग कर रहे हैं, हम लगातार फायरमैन DLP AN JN TRA RS भर्ती 2021 की विज्ञप्ति जारी हो, PTI फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड हो, चाहे पशुधन सहायक हो, जो तमाम नई स्कूल व्याख्याता हो, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती हो, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती नहीं हो, यानी कि सेकंड ग्रेड, संस्कृत विभाग में हो, तमाम रिक्त पदों पर भर्तियां निकालने की हम मांग कर रहे हैं कि आप निकालिए, कैलेंडर जारी करिए, जिससे बेरोजगार अपनी तैयारी कर सके। इसलिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, मांग पत्र में क्या शामिल है, चाहे उदयपुर हो, चाहे राजसमंद हो, हम हर जगह आवाज उठा रहे हैं, आप लोगों की आवाज है। ये नई भर्तियां, हमें सारी भर्तियां, अब मैंने किसी भर्ती का नाम नहीं लिया तो महिपाल कहेगा मेरी भर्ती का नाम नहीं लिया, राकेश कहेगा मेरी भर्ती का नाम नहीं लिया। अरे भाई, नई भर्तियों में सारी भर्ती लिखी है यार, मैं कंप्यूटर थोड़ी हूँ यार, बोल रहा हूँ, आवाज उठा रहा हूँ, नई भर्तियां प्रत्येक विभाग में रिक्त पदों पर नई भर्तियां निकाल जाए, उनका कैलेंडर जारी किया जाए। अब सवाल आता है, बाहरी राज्यों का कोटा समाप्त हो, अरे लगातार चिल्ला चिल्ला के क्यों नहीं हो रहा, कौन गलत है, सब कहेंगे सरकार गलत, सरकार गलत नहीं, आप लोग गलत है, आप लोग इसके जिम्मेदार तुम हो। अरे, लाखों की संख्या में सड़क पर उतर जाए तो एक दिन में कानून बन सकता है, हरियाणा में 75% प्राइवेट क्षेत्र में हरियाणा वालों को ले रहे, क्या राजस्थान में लागू नहीं हो सकता है, लागू होना चाहिए, हम सबको लड़ना चाहिए, लेकिन तुम बैठे रहो, मैं लड़ूंगा अंतिम सांस तक, सुजानगढ़ भी जाऊंगा, सहाड़ा भीलवाड़ा भी जाऊंगा, और फिर चारों जगह जाऊंगा, प्रचार करूंगा, लड़ूंगा, लेकिन आपसे कहता हूं, जाग जाए अपने अधिकारों के लिए, लड़िए, निकलिए, अपने लिए लड़िए, कम से कम अपने भविष्य के लिए लड़िए। कभी पेपर लीक हो जाएगा, कभी डिग्री फर्जी आ जाएगी, कभी सेंटर बिक जाएगा, कब तक आप अत्याचार से नहीं करो, उठिए, मैं जगाने के लिए आया हूं, लाइव क्यों आता हूं, आपको जगाने के लिए। अरे, कानून बने, जो पेपर लीक करता है उसको उम्र कैद की सजा होनी चाहिए, जो डिग्री और फर्जी सेंटर खरीद ले। आजकल एक चीज और चल रही है,
अभी मुझे एक अभ्यर्थी का फोन आया था कि आधार कार्ड या कहां भी फोटो चेंज कर लेते दूसरा बैठ जाता है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, यदि पकड़े जाए उसको जेल में डालिए, इन लोगों को रोके, अच्छी तरह उनको देख रहे, बायोमेट्रिक करिए, वीडियोग्राफी करवाइए, सिस्टम में जब हम सब मिलकर लड़ेंगे तो सुधार होगा ना भाई, निकलिए। इसलिए कह रहा हूं अकेला चिल्ला चिल्ला कर, मैं कई सालों से कह रहा हूं भाई राज्य को कोटा खत्म हो, लेकिन नहीं, हम केवल घर बैठे आवाज उठाते, ये नहीं कहते उपेन भाई हम आपके साथ हैं। इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन है, चारों विधानसभा में ताकत दिखाइए, जब भी मैं पहुंचू आप पूछिए कि भाई हम आपके साथ हैं, लड़ेंगे और जीतेंगे, और सिस्टम में सुधार होना चाहिए, भर्तियों का कैलेंडर जारी होना चाहिए, नई भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी हो और 2013 से लंबित भर्तियां पूरी हो। तो साथियों निकलिए। एक चीज और मैं कह रहा हूं, शिक्षा मंत्री जी का एक बड़ा बयान आया, प्रबोधक विद्यार्थी मित्र पंचायत साहिब नहीं हो गए, मैं इस लाइव के माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी आप अपना वीडियो उठा के देखिए, जब विपक्ष में थे आप जिस प्रकार मैं चिल्ला रहा हूं वैसे चिल्ला चिल्ला के आप कहते थे कि मेरी सरकार आई तो मैं इनको नियमित करेंगे हमारी कांग्रेस सरकार, आप कहते थे कि इनके साथ बुरा हुआ, इनके साथ बीजेपी ने यह किया, तो आपने क्या अच्छा किया जवाब दीजिए, प्रदेश का युवा आपसे पूछ रहा है, क्यों आपने दो लाइनों में कहकर उनका इस तीनों भर्तियों को खत्म कर दिया, विद्यालय सही कहां है, पंचायत सही कहां जाएंगे, प्रबोधक कहां जाएंगे, संविदा कर्मी कहां जाएंगे, दीजिए जवाब, आज प्रदेश का हर युवा आपसे जवाब मांग रहा, कैसे कह दिया आपने, कैसे आपने पल्ला झाड़ लिया, आपके वो वीडियो मौजूद है, मैंने ट्वीट किया, फेसबुक डाली है, दीजिए जवाब, आपको सुनना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, अन्यथा जहां विधानसभा जहां राजस्थान में जाओगे ये युवा आपका विरोध करेंगे, खुली चुनौती और चेतावनियां, हम लड़ेंगे और जीतेंगे, लेकिन शिक्षा मंत्री जी आप काम करोगे तो हम धन्यवाद भी देंगे, और आप काम नहीं करोगे आप ऐसे बयान दोगे कि हमने कुछ नहीं कहा, न नियमितीकरण होगा, न स्थायीकरण होगा, न भर्ती निकलेगी, न विद्यालय सहायक होगी, ऐसे आप कहोगे तो कहीं ना कहीं आपका विरोध भी होगा, मैं कह रहा हूं अभी भी समय है, आप मानिए बेरोजगार होगी, युवाओं में बड़ी ताकत होती है, युवा आपको आगे लेकर आएंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे, और आप युवाओं की नहीं सुनी तो कहीं ना कहीं ये युवा आपको नीचे लाने का काम करेंगे। माननीय शिक्षा मंत्री जी हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, एक बार अपने वीडियो जरूर देखिए कि आपने क्या क्या बोले थे, एक बार जरूर देखिए, फिर गौर करिए, मनन करिए, चिंतन करिए, सोचिए आपने क्या बोला था, क्या आपने उस समय जल्दबाजी में बोल दिया, यदि आपने गलत बोला तो माफी मांग लीजिए कि मैंने गलत बोल दिया, वे भर्तियां हो ही नहीं सकती थी, मैं माफी चाहता हूं, तो बेरोजगार भूल जाएंगे, और यह कर सकते हो तो आइए कि हम कर सकते हैं, हमने वादा किया था, मैंने वादा किया था, मैं मेरा वादा पूरा करूंगा, बोलिए, वो बोलिए मीडिया, कुछ तो बोलना पड़ेगा, या तो माफी मांगिए या बोलिए, कुछ तो आपको शिक्षा मंत्री जी बोलना पड़ेगा। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी की एक चीज अच्छी लगती है कि वो बोलते हैं, वो करते हैं, कम से कम उनकी भी एक बात अधिकारियों ने पीट दी, पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013 10029 पदों पर मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी, वो अटके पड़ी है, लेकिन मुख्यमंत्री जी आप पर पूरा विश्वास है, आप हमारे अभिभावक हैं, हम आपके बच्चे हैं, आप जरूर जो मंत्री झूठ बोलता है, जो मंत्री गुमराह करता है, जो अधिकारी लापरवाही करता है, तानाशाही करता है, उनके खिलाफ एक्शन लोगे, और यदि आपने भी एक्शन नहीं लिया तो कहीं ना कहीं आपकी जो साख अच्छी बनी है वो भी नीचे गिर जाएगी, क्योंकि आप अच्छा किया, मैंने कभी भी, क्योंकि आपने अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान की स्थिति ठीक है, मैंने इसके लिए सराहा है, धन्यवाद दिया, मेरे ऊपर कई लोगों ने आरोप लगा दिए कि उपेन यादव तो अशोक गहलोत जी का आदमी है, कांग्रेस का आदमी है, लेकिन मैंने हर आरोप सहने, लेकिन आपने अच्छा काम किया, मैंने धन्यवाद दिया, लेकिन जो स्थिति, जो बयान आ रहे, जो स्थिति जैसे स्कूल व्याख्या था कि अभ्यर्थी वहां पड़े हुए हैं 13 दिन से, कोई नहीं सुन रहा, आज लोग धरना दे रहे हैं, आज रो रहे हैं, क्या स्थिति है, ऐसे में लगता है कि कहीं ना कहीं ये तानाशाही अधिकारियों मंत्रियों की बढ़ रही है, लोगों में लोग अवसाद में है, परेशान है, दुखी है, यदि किसी के साथ अनहोनी होती है तो कहीं ना कहीं पूरी सरकार के कलंक लगेगा, और पूरी सरकार पे कलंक लगेगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी आपके भी कलंक लगेगा, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज आप सुनिए। हालांकि एक चीज मुझे अच्छी लगी, क्योंकि आपने जो 5 भर्तियों को लेकर आपने मीटिंग करवाई, और इसके अलावा आपने पूरी भर्तियों को लेकर आपने रिपोर्ट मांगी है, पूरी भर्तियों को लेकर आपने रिपोर्ट मांगी है, मुझे सुनने में आया कि आप रिपोर्ट मांग के मॉनिटरिंग करिए, कम से कम आपको तो सच का पता चले कि कितनी भर्तियां लंबित है, किन अधिकारियों की गलतियां हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें, उन जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें, उनको भी सबक सिखाइए कि आज बेरोजगार दुखी है, आज बेरोजगार दुखी है, जेट की फीस 2800 से ज़्यादा है, क्या जेट की फीस किसी हिंदुस्तान में किसी भर्ती परीक्षा की कितनी फीस है, कम से कम जेट की परीक्षा की फीस कम करिए। दोस्तों लगातार मैं आप लोगों से, हाँ, एसआई भर्ती 2021 सामान्य श्रेणी के AWS के अभ्यर्थियों को छूट मिले, 5% की छूट के लिए मैंने BD कल्ला जी से भी कहा, साहब आप सामान्य श्रेणी से आते हैं, वो सामान्य श्रेणी के लोग आज परेशान हो रहे हैं, आज फिर कह रहा हूं आपको बढ़ाना चाहिए, इनको छूट मिलनी चाहिए, अरे बजट का मामला थोड़े, आपके तो पैसे और आएंगे, आवेदन करेंगे तो, मैंने CMO में भी बात रखी, मैंने इनके डेलीगेशन को मिलाया, और लगातार उस दिन भी बात रखा, आगे बात रखूंगा, इन लोगों को मौका दीजिए, 2-3 दिन बचे हैं, अंतिम तारीख भी जाने वाली, आखिर फिर कहां जाएंगे, इनको मौका मिलना चाहिए। साथियों विश्वास दिलाता हूं, सुजानगढ़ जहां भी होगे मैं आपकी बात हमेशा हर जगह रख रहा हूं, आगे भी रखूंगा,
कई लोगों की यह बात है कि हाँ कि हमारी आवेदन की तिथि निकल जाए क्या होगा, जब हमारे आंदोलन में ताकत होगी ये छूट भी देंगे ना, तो परीक्षा तिथि आपको ऑफलाइन या कैसे भी मौका मिल सकता है। तो मिले आप लोग, आए और लड़ो हमारे साथ, क्योंकि आपकी मांग वाजिब है, मैं आपके साथ हूँ, आपको छूट मिली चाहिए। जूनियर असिस्टेंट एलडीसी जो बिजली विभाग की जो भर्ती और भी आई थी, जिनमें सामान्य ज्ञान जो एन जैन में जुड़ चुका है। साथियों कई लोग अफवाह फैला रहे हैं कि जो सामान्य ज्ञान नहीं जुड़ा, जो मैंने ट्वीट किया बिल्कुल सही है, सत्यात्मक है। किसमें हिम्मत है तो गलत साबित कर दो वो गलत है, क्योंकि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के अधिकारियों से ही मिलकर आया था, उन्होंने मुझे वो दिया था, वो सही है। तो वो आप इसी हिसाब से तैयारी करिए, और इन भर्तियों के लिए भी मेरी बात हो गई है, एलडीसी और जूनियर असिस्टेंट और जो भी जो निकली है ना, और भी उसमें भी मैंने मांग की, और उन्होंने कहा इसमें भी जीके जुड़े, आश्वासन मुझे इसके लिए भी ऊर्जा वाक्य अधिकारियों ने दिया था, तो इसमें भी जीके जुड़ेगा, उन्होंने मुझे कहा था। जो परीक्षा केंद्र राजस्थान से बाहर है उनमें ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान में दिए जाए, इसमें भी काम हो रहा है, इसके लिए भी मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ, इसमें भी आप लोगों को राहत मिले। आपसे वादा किया था जीके जुड़वाने का, वो जुड़वा है, आपके सामने परिणाम है, आदेश ला के मैंने ट्वीट किया, ये देखिए काम हो भी रहे हैं। उनके लिए मैंने धन्यवाद दिया, मुख्यमंत्री जी को पुनः धन्यवाद दिया आपने किया, लेकिन और काम माने मुख्यमंत्री जी आपको करना पड़ेगा, जिस लापरवाही मंत्री अधिकारी कर रहे हैं आपको सुनना पड़ेगा। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं साथियों, एक चीज और बता रहा था मैं आपको, नई स्कूल व्याख्याता की तो मांग करी, नई स्कूल व्याख्याता के लिए हमें यह कहा था कि इसकी ज्वाइनिंग के बाद नई स्कूल व्याख्याता भर्ती आएगी, हम 5000 पदों पर भर्ती की मांग करें। नई स्कूल व्याख्याता की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए है कि इनकी ज्वाइनिंग के बाद आएगी। कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के लिए एक बार फिर कह दिया, कैडर बन जाएगा, महीना भर लगेगा। अरे भाई कब बनेगा, कब बनेगा, कितने दिन हो गए बनते बनते, भर्ती कब आएगी, सिलेबस कब जारी होगा, विज्ञप्ति कब जारी होगी, एग्जाम कब जारी होगी, ये तो बताइए। आज इंतजार कर रहा बेरोजगार, सिलेबस तो जारी कर दीजिए, वो तैयारी करे, आप बता तो दीजिए, विज्ञप्ति तो जारी कर दीजिए। कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती के अभ्यर्थी सो गए, आराम से सो गए, पहले तो आते थे आवाज उठाते लेकिन सो गए, अरे जागे, अपने लिए जागे, उठिए, साथ आइए, बिल्कुल लड़िए, मजा भी आएगा और भर्ती भी आएगी। दोस्तों एक जो कॉलेज लेक्चरर की एग्जाम हो सेट वाली, ये तो इस चीज का मैं पूरा समर्थन करता हूँ भाई, अब एग्जाम हो रही है, 2013 को सेट एग्जाम हुई थी राजस्थान में, इसके बाद नहीं हुई, यानी कि बाहर के लोग आएंगे, राजस्थान वालों को रोजगार नहीं मिलेगा। जब अन्य राज्य के लोग अपने राज्य को लोगों को ज्वाइनिंग देने की कोशिश करें, या देखिए सामान्य ज्ञान हटा दिया जाता है, परीक्षा केंद्र बाहर दे दिया जाता है, सेट की एग्जाम 2013 के बाद एक बार नहीं हुई, तो राजस्थान का अभ्यर्थी कैसे लगेगा। सेट की एग्जाम होनी चाहिए, ये मांग मैं रखूंगा, सेट की एग्जाम होनी चाहिए, जल्द से जल्द होनी चाहिए, ये मैं मांग रखूँगा, इसके अभ्यर्थी मुझे जरूर मिले, एक बार जरूर मिले। सेकेंड ग्रेड की नई भर्ती पशुधन सर पीटीआई, ये भर्तियों की मैं चर्चा कर लिया। हाँ साथियों, पटवारी भर्ती की जो जून में संभावना है एग्जाम की, जो मैंने प्रस्तावित बताई थी जून के लिए, साथियों पटवारी में मैं खुद चेयरमैन साहब से मिलकर आया था, हरि प्रसाद जी से, उन्होंने हमने एक बात रखी थी, तो 15-20 दिन का गैप था, जो ए से लेकर जेड वाले के बीच में बड़ा गैप था महीने भर का, जो नॉर्मलाइजेशन की कई शिकायत आई थी, उन्होंने इस बात पर हमारे सामने नोट किया था चेयरमैन साहब ने कि इस बार ऐसा नहीं हो, मैं कोशिश करूँगा राजस्थान पुलिस जैसे एग्जाम हो। तो इसमें जो लोग मांग कर रहे थे ना कि एक एक दो दो महीने का गैप नहीं होना चाहिए, हमारे साथ गलत हो गया, तो एक ही हम तो कह रहे हैं कि रीट की एक पारी में हो रही, तो उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करूंगा एक या दो या फिर लगातार एक दो तीन दिन में हो जाए एग्जाम। उन्होंने आश्वासन नोट भी किया कि आपका सुझाव अच्छा है, तो उन्होंने ये आश्वासन दिया चेयरमैन साहब ने, मैं खुद मिलकर आए थे, मेरे साथ 3-4 लोग होते। साथ ही उसको शेयर तो कर दीजिए, सब तक पूछे, मैं कल अजमेर आ रहा हूँ, फिर परसों सुजानगढ़, 9 तारीख को सुजानगढ़ पहुँचाऊँगा, सुजानगढ़ ऐतिहासिक रैली होगी। हाँ जो मिले वो लेके आइए, जो साधन मिले, ऊँट गाड़ी, बैलगाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल, अरे जो मिला, अपन तो बेरोजगार है, लेकिन रैली निकाल कर दिखाएंगे कि राजस्थान के युवा बेरोजगार जागे हुए हैं, और ऐतिहासिक रैली होगी। साथियों मैं एक बार मेरा मोबाइल निकाल लेता हूँ, कुछ कमेंट पढ़ लेता हूँ, किसी को भूल गया तो मुझे गाली जरूर देंगे। देखो सीएचओ की फाइनल लिस्ट के लिए मुझे कमेंट आया, भाई मैं आपकी मांग रखूंगा, मुझे ज्ञापन जरूर देना, मेरे पास आपका ज्ञापन नहीं आया अभी तक। वंचित विद्यार्थी मित्र 6000 लोग, उनके कई लोग एक अभ्यर्थी आता है जो, अब क्या बताऊँ उसके बारे में, लेकिन इतना है कि वंचित विद्यार्थी मित्र जो 6000 लोग हैं, उनको भी कम से कम न्याय तो मिलना चाहिए ना यार।
साथियों एक बार मैं देख लेता हूँ कुछ कमेंट। आप सबसे मेरा यही निवेदन है, अपने नहीं निकले यार, मैं रुक रहा हूँ कभी लगातार चल रहा हूँ। बस 171 लोगों ने वो किया है, 600 लोग देख रहे हैं अभी। फायरमैन वैकेंसी भैया अभ्यर्थना पढ़िया जीजा लगा रहा हूँ, इसलिए गुस्सा आता है। बड़े श्रम की बात है, ग्राम सेवक की, ग्राम विकास अधिकारी की, INJN की, TRA की, ग्राम ये आपकी फायरमैन की पड़ी क्यों नहीं निकाल रहे? आएगी, इसी महीने में आएगी, लड़ेगा और जीतेगा। आप इंतजार तैयारी में रहिए, आप इंतजार मत करिए, वैकेंसी आएगी, आप तैयारी करते रहिए कि फायरमैन की हो, सेफ्टी ऑफिसर हो, INJN हो, ग्राम सेवक, आप तैयारी करते रहिए। LA की भर्ती के लिए बताई दिया ना भैया, कॉलेज लाइब्रेरियन की भी बात रखेंगे, कॉलेज लाइब्रेरियन की भर्ती आई, प्रयोगशाला साई की आई कॉलेज में। मोहर सिंह गुजर जी प्रयोगशाला साई के लिए बोल चुका हूँ, ग्राम सेवक का सिलेबस दोबारा आ सकता है। कैसी व्यास जी 25 को यज्ञ भी बिल्कुल, जितेंद्र जी स्पेशल टीचर की मैं बात रखूंगा, लेकिन बात रखने और करने में बहुत अंतर है। मैंने पहले भी कहा था आपको काम करवाना है, क्योंकि मेरे सामने जो अभ्यर्थी रहता है तो मैं उसकी मीडिया में भी आवाज उठाता हूँ और जब वार्ता में जाता हूँ उनकी आवाज उठाता हूँ। तुम मेरे पीछे पड़ रहे हो, मैं सरकार के पीछे पड़ा रहा हूँ। आप पास में रहोगे, जहाँ मिलोगे, राजसमंद, उदयपुर, सुजानगढ़, जहाँ जाओ वहाँ मिलोगे, तो आपकी आवाज़ मेरे सामने होगी, आपकी आवाज़ भी उठेगी और उसको लेकर सरकार के सामने बात हो। आप गायब हो जाते हो, मेरे सामने जो आता है उसकी मैं बात उठा देता हूँ, भूल गया तो भूल गया। और यही है कि जो मेहनत करेगा, जो साथ रहेगा, जो साथ देगा संघर्ष में, उसकी पहले आवाज़ उठाई जाएगी, घर बैठा उसकी बात उठाई जाएगी। अब देख लीजिए, अब घर बैठ के आवाज़ उठाना चाहते हो, साथ आके उठाना चाहते हो, आपकी मर्जी। राजस्थान पुलिस वाला भैया डबल बेंच में गई है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, कल आपको बताता हूँ तारीख कब होगी। इसमें जल्द से जल्द DB में गई है सरकार, राजस्थान पुलिस भर्ती में। निर्मल नागर जी LTC पंचायत राज के लिए मैं बता चुका हूँ। जयदेव शर्मा जी एक दिन चल लेक्चर, क्या है इसमें मामला, तीन ग्रुप बने हुए इसमें। संदीप चौधरी जी योग्यताओं के लिए ज्ञापन दे चुके हैं पहले। राजेंद्र गुजर जी RS भर्ती की जो अभ्यर्थना अधीनस्थ माध्यमिक RPSC इस वीक में भेजने वाले थे, लेकिन जो चुनाव चल रहे थे इस वजह से अभ्यर्थना नहीं गई। आने वाले वीक में अभ्यर्थना RPSC पहुंच जाएगी जहां तक मुझे बताया, और उसके बाद इसी महीने में RS भर्ती किसकी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। पिछले इस जो गया वीक, आज संडे है, जो गया वीक उसमें वो जाने वाली थी अभ्यर्थना, लेकिन चुनाव चल रहे थे सचिवालय में, इस वजह से नहीं गई। जल्द अगले वीक में चली जाएगी, उसके बाद जल्द आपकी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी, RS भर्ती तो हो जाए 21 के। नो जॉब नो वोट, बिल्कुल बिल्कुल। सेट एग्जाम के लिए मैं कोशिश करूंगा, रीट में विशेष पदों की मैं कोशिश करूंगा। MP में कोई उपेन यादव बनाओ, भाई देखो MP में मांग हो रही है, यहाँ राजस्थान में भी लोग जगाने की कोशिश कर रहे, जाग नहीं रहे, लेकिन फिर भी लड़ रहे। कुछ युवा साथी जो जग रहे हैं ना, वो सह रहे, साथ देते हैं, वास्तव उनको भी सैल्यूट मेरा। ग्रुप डू राजस्थान हाईकोर्ट के ग्रुप डिक्की में यार पता करके बताऊं किसी एडवोकेट से। विकास गिरधर जी मैं कोशिश कर रहा हूँ 2016 SLP के लिए, टेक्निकल हेल्पर के लिए विकास टेलर जी मैं बहुत कुछ बोल चुका हूँ, पूरी कोशिश कर। मोर सिंह गुजर धन्यवाद भाई। प्रदीप बिश्नोई PTI के लिए पूरी कोशिश करें भैया। NM 2013 के लिए भाई जो मैंने आपके साथियों को बताया पहले वो प्रोसेस करें। वनपान का सिलेबस अधिकतर वही है, कुछ चैप्टर चेंज होंगे, पहले वाला वनपान वनरक्षा का सिलेबस उसकी तैयारी करिए। लाइब्रेरी पेपर लीक प्रकरण की भैया SOG की रिपोर्ट है, इसमें मैं क्या बोलूँ, SOG की रिपोर्ट आएगी वही होगा। ITI के लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, फायरमैन की इसी महीने में आएगी। वुमन जो सुपरवाइजर की, हाँ उसमें पुरुषों वाले की रहेगी, मैं कोशिश करूँगा। PTI के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ भाई प्रदीप जी, बिल्कुल। 2013 के राकेश मीणा जी 1005 के लिए भटक रहे हैं, आयुर्वेद नर्सिंग वाले। अरविंद नागर जी कह रहे हैं मध्य प्रदेश स्पोर्ट्स टीचर की भर्ती 16 साल हो गए नहीं हुई, क्या करे भाई, मध्य प्रदेश सरकार, लड़ना तो पड़ेगा। बीरबल भाई जी लाइव में क्या बोलूँ, वो चीज़ नहीं बता सकता हूँ। NM GNM भर्ती 2013 के लिए जो हमें रास्ता बताया गया, क्या आपके अभ्यर्थियों को बता दिया, लाइव में फालतू चीज़ बोलने से कोई मतलब नहीं है, जो उनको बताया गया वो रास्ते पे चले।
क्योंकि सबसे पहले तो आए बहुत हो लेकिन मुझे भी धोखे में रखा ना, जो आपके साथ मैं दे रहा था मुझे तो बताना चाहिए था आपकी याचिका खारिज हुई है, लेकिन उसका भी रास्ता निकाला गया, आपके साथियों को बताया, वो साथी वो तो करे ना, उसके बाद आगे का काम होगा, लेकिन लाइव में क्या बताऊं, वो चीज नहीं बता सकता जो गोपनीय चीज है। चौधरी मोहनलाल धन्यवाद भाई, पीटने के लिए कोशिश करे भाई। बीरबल जी अपने अपने साथियों को पूछिए, विजयपाल जी को पूछियो, अशोक जी को पूछियो, अनिल मिठा 25 को एरिया। दायम खान भाई धन्यवाद भाई, दायम भाई कैसे हो, बढ़िया हो भाई, पंचायत का मुद्दा उठा रहा हूं लेकिन आप भी साथ आइए। पीटीआई रिसेप्शन वीटीआई का आएगा ना भाई, जितेंद्र भाई अच्छा वेटिंग आई है रिसेप्शन 2016 के लिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ भाई, 5 साल हो गए लेकिन मैं तो कुछ महीने से 15 तारीख से लड़ रहा हूँ आप लोगों से। राजेश कुमार बिल्कुल, रिंकू टेक्निकल हेल्प के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, विनोद मैं कोशिश कर रहा हूँ, जूनियर अकाउंटेंट 2013 के लिए कोशिश, जूनियर अकाउंटेंट सूचना सहायक नहीं भर्ती है वो भी कोशिश करें हम। नौ को मैं पूछ रहा हूँ कमल शर्मा, आपको 10 को आना 10 बजे सुजानगढ़। नरेंद्र सिंह राजावत भाई 15 तारीख को सुनवाई, देखते क्या होता है, कोशिश करेंगे। हेमंत चंडेल जी क्या कह रहे हो, टेक्निकल हेल्प के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेफ्ट टेक्नीशियन के लिए भैया मीटिंग हो चुकी है, मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट वेटिंग 2013 इसके लिए भी, विद्यालय सहायक भाई तुम चुप हो गए तो भर्ती गायब होगी। तकनीक सहायक के लिए कैसे अभियंता वाटर सेट जैन, पंचायत राज जैन के लिए पूरी कोशिश करें। आईटीआई वालों को जागना पड़ेगा तब कुछ होगा, नहीं जागोगे तो क्या होगा भाई। धर्मेंद्र बगड़िया बिल्कुल धन्यवाद भाई, रीड 2016 के लिए पूरी कोशिश करें भाई। लगातार आप लोगों से मैं जुड़ा हूँ, आपके जो जितने कमेंट मैंने लेने की कोशिश की, जो तमाम 616 लोग हैं उनसे मेरा निवेदन है कि इसको आपको शेयर करना, क्यों करना है शेयर, क्योंकि 10 तारीख के इस आंदोलन को हम सबको सफल बनाना है। यह लड़ाई उपेन यादव की नहीं, ये प्रदेश के हर युवा की है, उनके अधिकारों की है और उनके सपनों की है, उनके माता पिता के सपनों के। लड़ेंगे जीतेंगे, नौकरी नहीं तो वोट नहीं, नो जॉब नो वोट, इस अभियान के साथ 10 तारीख को गूंजेगी राजस्थान में गूंज, राजस्थान के युवा बेरोजगारों के। इसलिए साथियों आपके जो कमेंट थे, मैंने सोचा जितने कमेंट थे मैं उनके जवाब देने की कोशिश की, और अब पता नहीं कमेंट क्यों रुक गए, क्या कमेंट लाइव खत्म हो गया क्या? रतन जी जल्द ही इस पर निर्णय होने वाला है, इंतजार करिए आप। मोहित जी मैं कल आ रहा हूं, आप अपने साथियों के साथ पूछिए। बिल्कुल स्कूल पुस्तकालय अध्यक्ष सेकंड ग्रेड भैया आप आओ, साथ दो आवाज उठाएंगे, 22 साल से नहीं आई तो संघर्ष तो करना पड़ेगा ना, हर वैकेंसी हर चीज के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। आज फायरमैन वाले इस महीने के लिए कह रहे हैं, सीएचओ के बारे में यार मेरे पास एक ज्ञापन नहीं आया, क्या मामला मिलोगे तभी तो पता चलेगा सीएचओ का। नरेंद्र भाई धन्यवाद, कुमार जी कैलाश भाई धन्यवाद, दायम भाई बढ़िया धन्यवाद भाई, दायम भाई दोबारा कमेंट आ रहा है, सीएचओ का रिजल्ट भाई मिल लिए, मैं आपकी मदद करूंगा भगत सिंह जी। मेरा लगता है कि लाइव बहुत लंबा हो गया है और अधिकतर मैंने कोशिश की है कि सबको जवाब दूं। कल सुबह मैं रहूंगा अजमेर स्कूल व्याख्याता, वहाँ से निकल के शाम तक पहुँचूंगा, और परसों सुबह 9 तारीख को मैं सुजानगढ़ पहुँच जाऊँगा, शिखर होते हुए सुजानगढ़ पहुँचूंगा, जो अभ्यर्थी मिलना चाहे मिले और इस आंदोलन में आपको साथ देना है। ये लड़ाई बिल्कुल मनोज भाई धन्यवाद, ये लड़ाई हम सब की है, मिलकर लड़ेंगे। तो साथियों फिर एक और लाइव में हम जुड़ेंगे, और आप सबसे मेरा निवेदन है 10 मार्च का ध्यान रखें, ऐतिहासिक रैली होगी, यह इसकी गूंज जिस प्रकार नो जॉब नो वोट में गूंजी थी पूरे देश में, एक बार फिर गूंज गूंजेगी। यह लड़ाई आप सबकी है, धन्यवाद, जल्द मिलेंगे एक और लाइव में। जय हिंद जय भारत।